जी तो दोस्तों, मौसम चेक कर सकते हैं कलाम का। बर्फ़बारी जो है मेरे ख्याल से बहुत नज़दीक है। देखें, ऊपर पहाड़ बिल्कुल जो है ना अब नहीं दिख रहे। और हम लोग जो अपना टेंट लगाने के लिए जगह हमने देख ली है, बाइक हमने खड़ी कर दी है और अब टेंट लगाने के लिए जा रहे हैं। टेंट लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टेंट लग चुका है और बस अब अंदर अपना सामान रखते हैं, टेंट खोलकर फिर आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं टेंट में मौजूद हूँ और बारिश की आवाज़ आप लोग अगर सुन सकते हैं तो सुने। बारिश शुरू हो चुकी है, बड़ा बेहतरीन मौसम हो रहा है। आप कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बहुत कमाल की ठंड हो रही है भाई साहब। जी तो दोस्तों, कालाम की वैली में हम लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। हमारा टेंट लग चुका है प्रॉपर तरीके से और व्यू चेक करें जी। स्नो फॉलिंग होगी, इंशाल्लाह होगी। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आया, यकीन करें। यहाँ आने का जो सफ़र था हमारा, एडवेंचर भरा था और मज़ा आ गया। क्या बोलूँ मैं, मज़ा आ गया यकीन करें। और इस वक्त जो है दिसान मेडोज़ की तरफ मेरा जाने का था, हम दो बंदे थे, लेकिन जो है मुश्किल हो रही है, नहीं जा पा रहे। गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी या काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, क्योंकि सवात से मैंने यहाँ कलाम का सफ़र किया, गाड़ी बहुत गर्म थी। तो गाड़ी ठंडी होती है तो फिर उसके बाद देखते हैं। अभी ये कि बारिश भी शुरू हो गई है तो ऊपर का ट्रैक जो है पूरा ख़राब हो चुका है। वो कच्चा ट्रैक है सारा और मतलब कीचड़ हो जाती है ना, तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा किया कि हम लोग रुक गए। अगर हम लोग ना रुकते और ऊपर चले जाते तो फिर वापसी आना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कीचड़ हो जाती है और बाइक जो है स्लिप होती है। तो बाकी का आपको मंज़र दिखाते हैं। दोस्तों, मौसम एंजॉय किया जा रहा है और ये देखें जी, हमारा टेंट अंदर से बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठीक है, फिर मैंने अभी तक लंच नहीं करा, यकीन करें मैंने लंच नहीं किया अभी तक। तकरीबन 4 बज चुके हैं, अभी मैं लंच करता हूँ, उसके बाद जो मिलते हैं आपसे। हेलो जी, ठंड हो रही है बड़ी ख़तरनाक किस्म की, समझ आ रही है। ये हमारा टेंट है और ये हमने अपने लिए जो है खाना वगैरह पका रहे हैं। दिखाओ करीब से कैमरामैन, इसको कहते हैं पेशावरी रोश। ठीक है जी, जब पक जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। और बड़ा मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। उस तरफ लाइटें दिखाओ कैमरामैन, ये होटल्स हैं सारे। और बड़ा ख़तरनाक सीन हुआ भाई साहब। ठीक है जी, खाना वगैरह जब बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपसे। थैंक यू। आज
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम। और इस वक्त मैं अपने कैंप के अंदर हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा थी रात भर, और बस आपको बता नहीं सकते, लेकिन ये कि अभी बाहर का जो मौसम होगा ना, यकीन करें बड़ा बेहतरीन मौसम होगा। अभी हम टेंट खोलते हैं जिप वगैरह इसकी, और फिर आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं कि बाहर क्या एनवायरनमेंट है इस वक्त। ये देखें जी, हमारा जो टेंट के अंदर के हालात क्या है। अल्लाहु अकबर, चेक करें जी, नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। रात को इस पहाड़ पे जो है ना बर्फबारी हुई है, देख रहे हैं वाइट वाइट। और एक और चीज़ ये देखें, अगर इसमें दिख रही हो ये टेंट, आप देख रहे हैं कितना हार्ड हो चुका है, ये सारी बर्फ़ बन चुकी है इस पर, देख रहे हैं ये वाइट वाइट सब बर्फ़ बना है। ये देखें, ये देखें पूरा पूरा जो है ना, ये सब इतना हार्ड हुआ हुआ, ऊपर बर्फ़ जो है ना बनी हुई है सारी। रात जो है भाई साहब बड़ी ख़तरनाक गुजरी है, ये देखें। ये देखें जी, ये जो वो गई थी ना ओस जो पड़ी थी, ये देखें ये सारी बर्फ़ बन चुकी है। अब आप खुद सोचें कि हमने इस टेंट के अंदर रात कैसे गुजारी होगी। तो इस मौसम में हमने बड़ी गलती करी थी टेंट लगा के, लेकिन मसला ये कि शौक था मुझे कैंपिंग करने का, खैर वो पूरा भी हो गया अच्छी तरीके से, लेकिन कैंपिंग का जो टाइम है वो अपना जो है ये टाइम नहीं है, ये ठंड का टाइम है। वो आप गर्मियों में आते हैं तो कैंपिंग करते हैं इसमें, तो उसकी अलग ही जो है फिर एक वाइब होती है, अलग ही माहौल बनता है। बाकी अभी देखें आप, वो नीचे सारा कालाम बाजार है, ठीक है मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट पर था इसका टेम्परेचर, रात को जो है -7 पे था, मैंने चेक किया था। और ये देखें, ये देख रहे हैं ये पत्थर तक इन पे बर्फ़ जो है ना, ओस जो गिरी थी बर्फ़ बन चुकी है। वो नीचे सारा कालाम बाज़ार है, ठीक है वो होटल वगैरह जो है सारे नीचे कालाम बाज़ार के होटल हैं। और हम ये काफ़ी हाइट पर आए, ऊपर आकर हमने आकर जो है अपनी कैंपिंग करी थी। सबसे चेक करें हमारे टेंट में से कितनी बर्फ़ निकली है, चेक करें जी। और ये हमारा बुरी बिस्तर है सारा, सामने जो एक पहाड़ पे धूप निकल रही शुरू हो गई, धूप किरने पड़ रही है, इसमें बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है वो। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आया है, यकीन करें हमने जो है पूरा एंजॉय किया है अपने इस ट्रिप को। और ये वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो अगर कहीं जैसे हम आगे निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इस वक्त जो है रास्ते भी सब ख़राब हैं, झील से फिर मलूक का रास्ता भी बंद है, तो कहीं भी नहीं जा सकते, तो खाली यहाँ कालाम तक आ सकते हैं। बाकी ये कि देसान का
का ट्रैक खुला हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल बारिश वगैरह रात को हुई है, तो वो भी जो है ना ट्रैक ख़राब हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट, अब इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब देखो मेरे मुंह से जो है ना ज़बान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे पूरे तरीके से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।